ॐ हरिः ॐ तत्सत्। आज बैठे बैठे एक वैदिक शास्त्र जिसको विदुर नीति कहते हैं, भगवान श्री स्वामीनारायण ने मूल 212 श्लोकों वाली शिक्षा पत्री में भी जिसे मान्यता प्राप्त है ऐसा कहा है, उसको पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते सोचा कि सभी महापुरुषों ने, अवतारों ने क्यों विदुर नीति शास्त्र को वैदिक शास्त्र कहा होगा। देखते देखते एक सूक्ति पे ध्यान गया जिसमें लिखा है विश्वासघात। विश्वासघात कई प्रकार का होता है और विदुर जी कहते हैं कि चाहे शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, धार्मिक, व्यावसायिक, किसी भी प्रकार का विश्वासघात है उससे व्यक्ति को सात नहीं, दूसरे नीचे के जो नरक हैं उसमें यातना भोगनी पड़ती है। जैसे हम जिस वृक्ष के नीचे बचपन से प्रौढ़ हुए हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त किया है, जिस माता पिता की गोद में हम बड़े हुए हैं, जिस समाज को हमने अपना माना है और समाज ने हमें अपना मान करके हमको प्रेम दिया, हर प्रकार की सुख सुविधा और सुरक्षा दी, अगर हम उसको विश्वासघात करते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं, तो वह विश्वासघाती उस नरक की यात्रा, जो स्पेशल प्रकार का नरक भगवान बनाते हैं उस व्यक्ति के लिए, दूसरा कि इस जीवन में उस व्यक्ति को उससे ज़्यादा विश्वासघाती लोग मिलते हैं। जैसे मैं जिस वृक्ष के नीचे बड़ा हुआ, जब मैं उस वृक्ष को नुकसान पहुंचाऊंगा जिसने मुझे शरण दिया, छाया दिया, तो मेरे इर्द गिर्द जो व्यक्ति होंगे वो लोग वही सीखते हैं, और सीखने के बाद धीमे धीमे शब्दों के माध्यम से या किसी भी प्रकार से वो मुझे किसी कोने में कीड़े मकोड़े की तरह मरते हुए मरने के लिए छोड़ देते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं और नरक से भी बदतर जीवन जीने के लिए वह विश्वासघाती मजबूर हो जाता है, और फिर उसके बाद यू टर्न लेने की कोई जगह नहीं रहती है। जैसे हमें जिसने शिक्षा दिया, जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस धर्म ने हमको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दिया, उसको हमने धोखा दिया, हमने विश्वासघात किया, उसके पीठ में चाकू भोंक दिया, जिस थाली में हम भोजन कर रहे हैं उसी में अगर हम छेद करेंगे तो जो पौष्टिक आहार है वो नीचे बह जाएगा। अतः किसी के साथ विश्वासघात ना करें, चाहे चारित्रिक हो, चाहे